हैं हेडलाइंस से। वज़ीर-ए-आला केसीआर के हेलीकॉप्टर में टेक्निकी खराबी, फार्म हाउस में लैंडिंग। एविएशन कंपनी की जानिब से मुतबादल हेलीकॉप्टर का इंतजाम, केसीआर मामूल के मुताबिक दौरे पर रवाना। बीआरएस की हुक्मरानी में रियासत के तमाम तबकात खुशहाल, कांग्रेस की ऊंची बातें नाकाबिले कबूल। सिलसिला में बीआरएस टैक्स सेल बैंक की इब्तदाई तकरीब से केटीआर का खिताब। तेलंगाना भर में असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से पर्चे नामजदगियों का सिलसिला जारी। रियासती वजीर दयाकर राव ने हल्के असेंबली पालाकुर्ती से बीआरएस उम्मीदवार की हैसियत से पर्चे नामजदगी किया दाखिल। एपी के विजयवाड़ा में बेकाबू बस प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई, तीन अफराद हलाक। महलुकीन के विरसा के लिए 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने वजीर आला जगन मोहन रेड्डी का ऐलान। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी, तेलंगाना और एपी में बारिश का इम्कान। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने की पेश कयासी। आम आदमी पार्टी के तर्जुमान ने दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी पर हरियाणा हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना, कहा हरियाणा से दिल्ली आ रहा है पराली जलाने का धुआं। गजा की पट्टी को दो हिस्सों, जुनूबी और शुमारी गजा में तकसीम, इसराइली फौज के तर्जुमान का दावा। और सूडान में मुसल्ला 5 और आरएसएफ के दरमियान बमबारी, बमबारी में 20 से ज्यादा शहरी गए मारे। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आला सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसको महसूस करते हुए पायलट फौरी चौकस हो गया और हेलीकॉप्टर को वज़ीर-ए-आला केसीआर के फार्म हाउस में हिफाजत से लैंड कर दिया। वज़ीर-ए-आला के ज़राए ने बताया है कि आज के असेंबली हलकों के दौरे के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर-ए-आला केसीआर जलसेआम से खिताब करने देवर कदरा जा रहे थे कि हेलीकॉप्टर में टेक्निकी मसला पैदा हो गया। चौकस पायलट ने हेलीकॉप्टर को सड़क के दरमियान से फार्म हाउस की तरफ मोड़ दिया और बाहिफाजत लैंड किया। एविएशन कंपनी की जानिब से वज़ीर-ए-आला केसीआर के लिए एक और मुतबादल हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया, जिसके बाद केसीआर ने शेड्यूल के मुताबिक अपने दौरे को जारी रखा। कारगुजार सदर बीआरएस और रियासती वजीर के तारक रामा राव ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की ऊंची बातों के सामने हथियार डाल देंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन आते ही आवाम को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीआरएस की हुक्मरानी में तमाम तबकात के लोग खुशहाल हैं। रियासती वजीर केटीआर ने सिलसिला में वाकई तेलंगाना भवन में बीआरएस टैग सेल विंग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कई लीडरों ने रियासती वजीर केटीआर की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें केटीआर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। बाद में तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की क्यादत में रियासत में जिधर देखो सरसब्ज वो शादाबी, आपाशी का पानी, पीने का पानी, वॉफर मकदार में बिजली, फसलें वॉफर मकदार में उगाई जा रही हैं और आवाम को फलाही स्कीमात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन 9.5 सालों में वज़ीर-ए-आला केसीआर ने कभी जात पात या मजहब के नाम पर कोई सियासत नहीं की। उन्होंने कहा कि इलाके के नाम पर पंचायतें कायम करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। केटीआर ने वाज़े किया कि केसीआर ने तरक्की को जात के तौर पर और फलाह बहबूद को मजहब के तौर पर इंतजामिया को चलाया है। उन्होंने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे लीडर को एक बार फिर वज़ीर-ए-आला बनाएं। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों ने बीआरएस को शिकस्त देने की कोशिश की, तजुर्बा कर रहे हैं जो नाकाम साबित होंगे। प्रांतम पेर मीद पंचायतील पेट्टे प्रयत्न चेयलेदु, अभिवृद्धि अने ओक मंची आलोचन तो अभिवृद्धि कुलंगा संक्षेमे मतंगा 9.5 संवत्सराल तन परिपालन अंदिंचिंदि। వాళ్ళ అట్లాంటి నాయకుణ్ణి మనం తిరిగి గెలిపించుకోవాల్సిన బాధ్యత, తిరిగి ముఖ్యమంత్రిగా మళ్ళీ ఎన్నుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. చాలా మంది చాలా రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు, చాలా రకాల దాడులు మాటల దాడులు కూడా మనమే చేస్తున్నారు, మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ సిరిసిల్లలో కూడా మరి రకరకాల ప్రయోగాలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఎవరెవరినో తీసుకొచ్చి సిరిసిల్లలో కొత్తగా
పారాషూట్లు హెలికాప్టర్లు తీసుకొచ్చి మన మీద దించుతారట ఏం పర్వాలేదు నేను అందుకే నాకు నిన్న మొన్న ఎవరో విలేకరి అడిగిన హైదరాబాద్ లో మరి ఎవరో వస్తున్నారంట సార్ బయట వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మీ మీద ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారినో లేకపోతే ఇంకెవరినో పెట్టే ఆలోచన చేస్తున్నారట మీరేమంటారు అన్నాడు అంటే నేను ఒక్కటే చెప్పినా మా సిరిసిల్ల అన్నదమ్ములకు మా అక్క చెల్లెళ్ళకు తెలుసు ఏది మంచి ఏది చెడు వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళే కాపాడుకుంటున్నా నాకేం భయం లేదని నేను చెప్పిన నాకు ఆ విశ్వాసం మీ మీద ఉంది నాకు ఆ విశ్వాసం సంపూర్ణంగా మీ మీద ఉంది ఎందుకంటే మీకు తెలుసు మీ కళ్ళ ముందే సిరిసిల్ల ఎట్లా మారిందో మీకే కనబడతా ఉన్నది ఎవరి వల్ల ఇది సాధ్యమైందో నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు కాబట్టి మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరేది ఒకటే ప్రార్థించేది ఒకటే ఇవాళ ఎన్నికలు రాగానే ఆగం కావద్దు ఎన్నికలు రాగానే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు అయోమయానికి లోన్ కావద్దు ఆలోచించవలసింది ఒకటే ఇప్పుడు మన జేబులో ఒక 100 రూపాయల కడక నోట్ ఉందనుకో ఆ కడక రూపాయలు 100 రూపాయల నోట్ పెట్టుకొని రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ పోతున్నాం అనుకో ఆ రోడ్డు మీద ఒక చిల్లర రూపాయి కనబడదు అనుకో దానికి ఆపటి వంగినాం అనుకో ఏమవుతుంది ఇది పోతుంది అది పోతుంది జేబులో ఉన్న 100 రూపాయల కడక నోటు కేసీఆర్ గారు ఇక చిల్లర పైసలు ఏందో మీకు తెలుసు నేను చెప్ప గవాటికి ఆశ పడితే వాళ్ళ చిల్లర మాటలకు లొంగిపోతే ఆగమైతం మన బతుకు బాగు చేసిన కేసీఆర్ మన కరెంటు బాగు చేసిన కేసీఆర్ మనకు తాగునీరిచ్చిన కేసీఆర్ మనకు సాగునీరిచ్చిన కేసీఆర్ మన కళ్ళ ముందే మన వ్యవసాయాన్ని బాగు చేసిన కేసీఆర్ ను తప్ప ఇంకెవరినో పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం గాని ఇంకెవరి గురించో ఆలోచించవలసిన అవసరం గాని మనకు లేదు ఉంటాయి ప్రభుత్వం అన్నప్పుడు మరి రాష్ట్ర నిర్వహణ అన్నప్పుడు చిన్న చిన్న పంచాయతీలు ఉంటాయి ఆడనో ఈడనో నాకు గిది రాకపాయే నాకు గది రాకపాయే అనే చిన్న చిన్న నారాజులు చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు తప్పకుండా ఉంటాయి ఒక ఇంట్లో నలుగురు ఉంటేనే ఉంటాయి నాలుగు రకాల పంచాయతీలు నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది ఒకటి అందుకే నాకు నిన్న మొన్న ఒక పెద్దమని చెప్పిండు ఒక సర్వే సంస్థ ఆయన వచ్చిండు నా దగ్గరికి వచ్చి మొత్తం సర్వే చూపెట్టిండు చూపెట్టి సార్ ఇక మీరు ఈ వర్గంలో కొంత పని చేయాలి ఈ కొన్ని పెన్షన్లు ఇచ్చేది ఉన్నది కొన్ని కారట్లు ఇచ్చేది ఉన్నది బీడీ కార్మికులకు కొద్దిగా కట్ ఆఫ్ వేయించేది ఉన్నది పుల్లగాన్లను కూడా కొద్దిగా సంజాయించుకునేది ఉన్నది అని చెప్పిండు చెప్పినాక మరి నేను అన్నా సరే ఇదంతా బాగానే ఉంది కానీ ఆఖరికి ఏమైతే చెప్పు అన్న అంటే ఆయన ఒక్కటే చెప్పిండు సారు కోపమైనా అసంతృప్తైనా నారాజు ఉంటే కూడా మనోళ్ళ మీదే చూపెడతాం మన ఇంటోళ్ళ మీదే చూపెడతాం మనోడు అనుకున్నప్పుడే కొద్దిగా నారాజు అవుతాం మనోడు అనుకున్నప్పుడే కొద్దిగా అలుగుతాం గులుగుతాం కానీ అలిగినా గులిగినా ఆయన చెప్పిన మాట గులుగుడు గులుగుడే సార్ మళ్ళా గుద్దుడు గుద్దుడే కేసీఆర్ కు అలా తేడా మాత్రం రాదు సార్ తెలంగాణలో గులుగుడు గులుగుడే గుద్దుడు మాత్రం మళ్ళా గుద్దుడే మావోడు కాబట్టి గులుగుతుండ్రు మావోడు కాబట్టి అలుగుతుండ్రు మా కేసీఆర్ అని చెప్పి కొద్దిగా అలక ఉన్నా అసంతృప్తి ఉన్నా మళ్ళీ ఆఖరికి మాత్రం ఈయనైతేనే కరెక్ట్ ఇంకెవరి చేతిలో పెట్టినా రాష్ట్రం కుక్కలు చెప్పిన ఇస్తారైతుంది అనే భావన ప్రజల్లో ఉన్నది ఇవాళ ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ లో ఉన్న నాయకత్వం బీజేపీలో ఉన్న నాయకత్వాన్ని చూసినాక ఎవరికైనా భయం అయితే సార్ ఎందుకంటే గసుంటోళ్ళ చేతిలో రాష్ట్రం పెడితే ఇంత కష్టపడి తెచ్చుకున్న ఈ రాష్ట్రం దాచిదాచి దయాల పాలు చేసినట్టు అయితే ఆగమైతుంది అనే అభిప్రాయం సర్వే సర్వత్రా ఉంది పిల్లల్లో ఉంది పెద్దవాళ్ళలో ఉంది రైతుల్లో ఉంది మహిళల్లో ఉంది కాబట్టి మీరు ఎవ్వరు కూడా ఎట్లాంటి అనుమానం పడొద్దు మళ్ళొక్కసారి తిరిగి నిన్ననే విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీ కొట్టిండు సచిన్ టెండూల్కర్ రికార్డు సమానం చేసిండు మరి మనం కూడా సెంచరీ కొట్టానా వద్దా కొడదామా పక్కా సిరిసిల్లకెళ్ళి షురు కావాలి జైత్రయాత్ర రాష్ట్రంలో సెంచరీ మోగాలి 100 దాటాలి కేసీఆర్ గారు తిరిగి మూడవసారి ముఖ్యమంత్రి కావాలి మిమ్మల్ందరినీ కూడా పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా ఈరోజు పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తూ మరి సిరిసిల్ల నియోజకవర్గంలో మీ అందరికీ తెలుసు నేను నిన్న రాత్రి షాద్ నగరు మధ్యాహ్నం కల్వకుర్తి పొద్దున ఇంకొక ఆడెక్కడ ఇట్లా రోజు అక్కడ ఇక్కడ తిరుగుతున్నా నన్ను సిరిసిల్ల విడిచిపెట్టి బయట బాగా తిరుగుతున్నా అనుకున్నారు తప్పు పట్టుకోకరు దయచేసి పార్టీ మళ్ళీ ప్రభుత్వంలోకి రావాలి అంటే నేను కూడా అంతటా తిరగాలి అంతటా సమయం ఇవ్వాలి మరి నేను నా ధైర్యం ఏంటంటే మీరు నన్ను నరుచుకుంటారు నన్ను సిరిసిల్లలో చూసుకుంటారు మీరు కాపాడుకుంటారన్న ధైర్యం మీద నేను బయట తిరుగుతున్నా మరి ఆయన రాజుగారి పాలకత చేయకురి నేను బయట తిరుగుతాను మీరు ఇక్కడ వేరే తిరిగి ఆగం చేసి ఎటు కాకుండా చేయకురి ఎందుకంటే ఆగన్న రవీంద్రరావు గారు ప్రవీణ్ అన్న నరసింగ్ అన్న చక్రపాణ్ అన్న శంకరయ్య గారు నరసయ్య గారు అందరు ఉన్నారు కానీ అందరికంటే ముఖ్యంగా మీ మీదనే ఎక్కువ భారం ఉన్నది మీ మీదనే నా ధైర్యం అంతా అని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ మళ్ళొక్కసారి మీ అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం సుస్వాగతం జై తెలంగాణ థ్యాంక్ యూ
वजीर पंचायत राज वो देही तरक्यात ई दयाकरा ने हल्के सिमली पाला कुर्ती की नशीस्त के लिए बीआरएस उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर ई दयाकरा ने पाला कुर्ती में वाकई तहसीलदार दफ्तर में अपना पर्चा नामजदगी का पहला सेट दाखिल किया। खबर अजीन दयाकरा ने सोमेश्वरा श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में खसूसी पूजा करने के बाद बीआरएस पार्टी कायदीन कारकुनों और मद्दाहों के साथ तहसीलदार के दफ्तर पहुंचे। रियासती वजीर ई दयाकरा 1994 से मुसलसल बाहैसियत रुकने असेंबली मुंतखब होते आ रहे हैं। दयाकर राव 1994 में पहली बार वो वर्धनापेट से जीतकर असेंबली में दाखिल हुए। वो 1999 और 2004 में भी इसी हल्के से बाहैसियत रुकने असेंबली मुंतखब हुए। ताहम 2009 में हलकों की दोबारा तकसीम में वर्धनापेट ऐसी एक मखसूस नशीस्त बन गई। चिन्नूर हल्का जो इस वक्त तक मौजूदा था पाला कुर्ती बन गया। 2009 के आम इंतखाबात में दयाकर राव ने पाला कुर्ती से इलेक्शन लड़ा और चौथी बार रुकने असेंबली के ऐसे से कामयाबी हासिल की। उन्होंने साल 2014 और 2018 में भी पाला कुर्ती से जीता था। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जा रही है कि शहर हैदराबाद के मुमताज ताजिर डायरी हाजी पीर मोहम्मद साहेब उर्फ बाबू मियाँ के दूसरे फर्जंद और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के बिरादर हकीकी मोहम्मद मुस्तफ़ा अली साकिन दबिलपुरा का पीर की सुबह 4:30 बजे मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल हो गया। इंतकाल की इतला के साथ ही जहां उनके चाहने वालों और अजीज व अखरबा में गम की लहर दौड़ गई, वहीं मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियतों बशमूल सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन पार्लियामान हैदराबाद, अरकान असेंबली मुमताज अहमद खान, अहमद पाशा कादरी, रुकन कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी, साबिक रुकन कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी, सदर नशीन वक्फ मोहम्मद मसीउल्ला खान, सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, कॉरपोरेटर सोहेल कादरी, बीआरएस अकलियती कायदी ख्वाजा मोहम्मद बदरुद्दीन, एम ए मोईद खान, साबिक सदरनशीन सेटविन मीर इनायत अली बाखरी, साबिक मेयर मजलिस बल्दिया हैदराबाद व मजलिसी उम्मीदवार हल्के चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली, साबिक कॉरपोरेटर हमजा बिन अब्दुल मारूफ, जफर पहलवान, एडिटर गोवा फाजिल हुसैन, परवेज मोहम्मद मुश्ताक हुसैन के अलावा ताजिर पेशा अफराद, वकला, समाजी तंजीमों के कायदीन, सहाफियों और दीगर ने आजमपुरा फंक्शन हॉल पहुंचकर जहां आखिरी दीदार के लिए मैयत को रखा गया था मरहूम के लवाहिकीन बशमूल वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मोहम्मद उस्मान अली, मोहम्मद सिद्दीक अली, मोहम्मद हुसैन अली और मोहम्मद हसन अली को पुरसा दिया और इजहार ताजियत किया। नमाज जनाजा मस्जिद छुंटी शाह में बाद नमाज जोहर अदा की गई और तदफीन मुतसिल खबरस्तान में सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में बदीदा नम अमल में आई। फातिहा सेवम बरोजे मंगल बाद नमाज असर मस्जिद छुंटी शाह में मुकर्रर है। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा के पंडित नेहरू बस स्टैंड में बेकाबू आरटीसी बस प्लेटफार्म पर चढ़ गई। इस हादसे में बस के पहिए के नीचे आकर 3 अफराद हलाक हो गए। मेलुकीन में कंडक्टर के बशमूल एक खानदान, एक खातून, एक लड़का शामिल है। इस हादसे में 22 अफराद जख्मी भी हुए हैं। 12 नंबर प्लेटफार्म पर यह हादसा पेश आया। इस हादसे में प्लेटफार्म नंबर 11 और 12 के दरमियान रखे गए फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचा। बस का ब्रेक फेल होने की वजह से नतीजे में यह हादसा पेश आया। विजयवाड़ा के ऑटो नगर डिपो से ताल्लुक रखने वाली ये बस गुंटूर जा रही थी। हादसे का मुकाम दिल खराश मंजर पेश कर रहा था। यह हादसा पीर की सुबह पेश आया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी और आरटीसी हुकाम से इस वाकये की तफसीलात हासिल की। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के बस स्टैंड में आरटीसी बस के ब्रेक फेल होने के वाके में हलाक अफराद के अरकान खानदान के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया।
उन्होंने इस वाक़े पर सदमे का इजहार किया और महलुकीन के गमजदा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वह महलुकीन के विरसा के लिए 10 लाख रुपये एक्सग्रेशिया फराहम करें और इस वाक़े में जख्मी अफराद के बेहतर इलाज को यकीनी बनाएं। उन्होंने साथ ही इस वाक़े की जाँच के अहकाम भी दिए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी एक और उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन, जो शेखपेट कॉरपोरेटर हैं, जुबली हिल्स हल्के असेंबली की नशीस से मुकाबला करेंगे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में पार्टी ने बाज़ हलकों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, जबकि जुबली हिल्स से आज राशिद फराज के नाम का ऐलान किया गया है। मजलिस ने कहा कि राशिद फराज हमारी पार्टी के जुबली हिल्स हल्के से MLA उम्मीदवार होंगे। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने इंकशाफ किया है कि खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है, जिसके जेरे असर तेलंगाना और AP में बारिश का इम्कान है। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में पहले ही मौसम सर्द है, जहां पीर को दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खलीज बंगाल में कम दबाव के जरिए असर आइंदा 3 से 4 दिनों तक AP में औसत बारिश का इम्कान है। AP में 2 दिन से मौसम सर्द है। ये आइंदा 2 दिनों में वाजे हो जाएगा कि क्या खलीज बंगाल में कम दबाव का तूफान में तब्दील तो होगा। महकमे मौसमियात के हुकाम ने ऐलान किया है कि नवंबर के महीने में खलीज बंगाल में तूफान के बनने के इशारे मिल रहे हैं। इस वक्त तेलुगु रियासतों में मौसम सरमा में मुख्तलिफ मौसमी हालात हैं। ₹1000 के लिए एक शख्स बुलंद होर्डिंग पर चढ़ गया। ये वाकया निजामाबाद में पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक त्री टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में रहने वाला रविंदर पेंटर के तौर पर काम करता था। कल वो होर्डिंग पर चढ़ गया, जिसके तिला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने उसको उतारने में कामयाबी हासिल की। जब पुलिस ने उससे इस ऊंचे होर्डिंग पर चढ़ जाने की वजह दरियाफ्त की, तो उसने बताया कि एक शख्स ने उसके पास से ₹1000 खर्च के तौर पर लिए थे, ताहम उसने ये रकम वापस नहीं की। पुलिस ने इसकी काउंसलिंग की और उसको घर भेज दिया। बताया जाता है कि यह शख्स कबल अजीन शराब का आदि भी रह चुका है। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में पुलिस ने चौकसी अख्तियार की है। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में पुलिस ने लॉजेस और होटलों की तलाशी ली। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर लॉजेस और होटलों में रहने वालों की तफसीलात मालूम की गई। पुलिस ने होटलों और लॉजेस के हुकाम को हिदायत दी है कि किसी भी मुश्तबा शख्स की इतला फौरी तौर पर पुलिस को दी जाए। पुलिस ने यह भी मालूम करने की कोशिश की कि आया मुफ्त में फराहम की जाने वाली अशिया और रकूमात तो लॉज में नहीं है, जिससे राय दहिंदों को रागिब किया जा सके। पुलिस ने लॉज और होटलों में रहने वालों के सामान की भी तलाशी ली और सामान के बारे में पूछताछ की। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा, जो आज मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम के लिए आ रही हैं, ने रियासत के दौरे से पहले कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस खवातीन की ख्वाहिशात से लेकर बच्चों की तालीम तक हर चीज की जमानत दे रही हैं। प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया कि स्कूली तलबा को स्कॉलरशिप, कम से कम इमदादी कीमत की जमानत, नौजवानों को ₹3000 का बेरोजगारी अलाउंस, 12वीं तक मुफ्त तालीम, मसाबकती इम्तिहानात की फीस में 100% छूट, ₹25 लाख तक का बीमा, OBC जुमरा और जात की मर्दमशुमारी के लिए 27% रिजर्वेशन। उन्होंने कहा कि खवातीन की ख्वाहिशात से लेकर बच्चों की तालीम, गाँव, किसानों, बिजली, पानी, सेहत, सब कुछ कांग्रेस की जमानत है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी के लिए हरियाणा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सोनीपत, पानीपत और रोहतक में पराली जलाने का धुआं दिल्ली आ रहा है। AAP की चीफ तर्जुमान प्रियंका काकड़ ने फिजाई आलूदगी के मसले पर आज कहा कि अरविंद केजरीवाल मुल्क के वाहिद लीडर है जो आलूदगी के खिलाफ मुसलसल मुख्तसर और तवील मुद्दती इकदाम करते हैं और इन पर अमल दरामद करवाते हैं। इस वजह से इस साल दिल्ली में गुज़िश्ता 8 सालों में सबसे अच्छी हवा थी। इदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि इस बार दिल्ली में आलूदगी में 31% कमी आई है। मरकजी हुकूमत को पार्लियामेंट में पेश किए गए अपने इक्तिसादी सर्वे 2022 और 23 में भी तस्लीम करना पड़ा कि इस बार दिल्ली में गुज़िश्ता 8 सालों में सबसे बेहतर हवा का मियार था। काकड़ ने कहा कि
काकड़ ने कहा कि AQM के इदादोशुमार से पता चलता है कि पंजाब में इस साल गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 50 से 67% कम पराली जलाई गई। इस वक्त पंजाब में चलने वाली पराली दिल्ली से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है और हरियाणा में जलने वाली पराली 100 किलोमीटर दूर है। से 500 किलोमीटर दूर है और जो पराली हरियाणा में जल रही है वो यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर है। दिल्ली के सबसे करीब राज्य हरियाणा है, तो जरूरी है कि समीक्षा की जानी चाहिए कि 2014 से खट्टर सरकार ने प्रदूषण को लेकर हरियाणा में क्या स्टेप्स उठाए। सबसे पहले तो 100 ईवी बसेस लेने का विचार कर रही है हरियाणा, ली नहीं है, विचार कर रही है। वहां पर अभी भी जो बसेस चल रही हैं वो बैंड फ्यूल, जो दिल्ली में फ्यूल बैंड है BS3 और BS4, इसी पर बसेस फ्लाई कर रही हैं। यही बसेस दिल्ली एंटर कर रही हैं और गोपाल राय जी हमारे पर्यावरण मंत्री लगातार चिट्ठी लिखकर ये डिमांड कर रहे हैं कि एज एन इमरजेंसी मेजर हरियाणा सरकार इन बसेस की एंट्री प्रोहिबिट करे दिल्ली में। इस टाइम पर जो इंडस्ट्रीज हरियाणा में चल रही हैं, खट्टर सरकार ने उनको कोई सहूलत नहीं दी, कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं की कि वो क्लीन फ्यूल PNG पर स्विच कर पाए जैसा दिल्ली ने किया है। ये सारी इंडस्ट्रीज मोस्टली NCR में है, उसका भी प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है। हरियाणा की सरकार 2023 में भी 24 घंटा बिजली देने में अपने नागरिकों को असमर्थ रही है। बिजली के कट इतने लंबे लंबे होते हैं हरियाणा में कि घर पर भी डीजल जनरेटर यूज होते हैं। सोचिए इंडस्ट्रीज की क्या हालत होगी जब घर में सोसाइटीज में भी डीजल जनरेटर यूज किए जा रहे हैं। अभी भी 2014 में आई खट्टर सरकार अभी तक पराली का भी समाधान नहीं निकाल पाई। अगर पंजाब की सरकार ने एक साल के अंदर ही 50-67% रिडक्शन करके दिखाया है तो हरियाणा की खट्टर सरकार 2014 से ये करने में विफल क्यों रही है। मैं देख रही थी 23 नवंबर 2023 को पंजाब के मोगा के गांव कड़ाहे वाला के करीब पीर की अलग सूबे एक होंडाई कार धान की बोरियों से लदे ट्रक से टकरा गई, जिसमें कार में सवार 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी लाशें मोगा सिविल अस्पताल ले जाई गई हैं। मकतूलीन की लाशें बुरी तरह मस्क थीं और उनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। फतेहगढ़ बिचतनूर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह मौके पर पहुंच गए और मजीद कार्रवाई में मसरूफ हैं। पुलिस अफसर का कहना है कि यह वाकया सुबह 2 से 3 बजे के दरमियान पेश आया। काबिले जिक्र है कि इतवार को भी मोगा के अजीतवाल कस्बे के करीब एक सड़क हादसा पेश आया था, जिसमें फाजिल का गांव फौजा से लुधियाना के बुडोवाल जा रही दूल्हे की कार सड़क पर खड़ी परे से भरी ट्रॉली से टकरा गई। इस हादसे में दूल्हा सुखबेंदर सिंह समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। राजस्थान के दौसा में इतवार की देर रात एक मुसाफिर बस पुल से रेलवे ट्रैक पर गिर गई, जिसमें 2 खवातीन समेत 4 अफराद की मौत हो गई और तकरीबन 2 दर्जन लोग जख्मी हो गए। मौसूला इतला के मुताबिक जयपुर डिवीजन के बाद के हुई जयपुर रेलवे सेक्शन के भाकरी दौसा रेलवे सेक्शन के दरमियान दौसा कलेक्ट्रेट के नजदीक ओवरब्रिज पर सुबह तकरीबन 2:30 बजे बस बेकाबू हो गई और पुल की रेलिंग तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। हादसे में 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां से निसफ दर्जन से ज्यादा शदीद जख्मियों को जयपुर रेफर कर दिया गया। हादसे की वजह से जयपुर दिल्ली रेल रूट मुतासिर हुआ। जम्मू कश्मीर के जिले राजबरी में पीर के रोज एक दिलसोज सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत, जबकि 13 दीगर जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि राजबरी के नगरोटा इलाके में एक गाड़ी सड़क से लड़क कर करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी।
जिसके नतीजे में 3 अफराद की मौत जबकि 13 दीगर जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि बदहाल से राजौरी की तरफ आ रही यह गाड़ी कोपी से 11 बजे हादसे का शिकार हो गई। मुतवफिन की शिनाख्त अब्दुल रशीद साकिन हबकंडी, मोहम्मद हनीफ वल्द कासिम उद्दीन साकिन तोली और मोहम्मद आजम वल्द गुलामुद्दीन साकिन दराज बिधाल के बतौर हुई है। जख्मियों की शिनाख्त जगदीप सिंह, उसकी अहलिया, उनका बेटा साकिनान बिधाल, नसीमा अख्तर 4 साल, सायखा कौसर, शौकत अली, मोहम्मद कफील, इम्तियाज अहमद, मासूमा बेगम, मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद यूनुस, विनोद कुमार, हमीदा बेगम, अब्दुल अजीज के बतौर की गई हैं। दरियासना पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मुआशरे से मंशियात की बेचकनी को यकीनी बनाने के लिए जंग को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारहमुला में 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से नशावर मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस पोस्ट पिलहालन की एक टीम ने SDPO पटन की निगरानी में पिलहालन पटन में एक नाका चेकिंग के दौरान 4 अफराद को रोका जो एक स्विफ्ट गाड़ी में श्रीनगर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान उनकी तहवील से 265 ग्राम हीरोइन जैसा नशा आवर मवाद बरामद किया गया। बयान में मंशियात फरोशों की शिनाख्त आशिक इलाही परे वल्द अब्दुल रजाक परे साकिन लावेपुरा HMT श्रीनगर, मोहम्मद आसिफ भट्ट वल्द गुलाम अहमद, बिलाल अहमद भट्ट वल्द गुलजार अहमद साकिना नूरबाग मलोरा श्रीनगर और अल्ताफ अहमद मीर वल्द गुलाम मोहम्मद साकिन मल्लेपुरा सोपुर के बतौर की गई है। बयान में कहा गया है कि पुलिस ने गाड़ी को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने सिलसिले में पुलिस स्टेशन पटन में मुतालिका दफात के तहत एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। इसराइली फौज के तर्जुमान ने गजा की पट्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करने का दावा करते हुए मजीद कहा कि हम किसी भी सूरत हाल पर हर महाज पर लड़ने को तैयार हैं। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक टेलीविजन बयान में मजीद कहा है कि बड़े हमले उस वक्त शुरू किए जा रहे हैं और आज रात और आने वाले दिनों में जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि पट्टी में जमीनी कार्रवाइयां करने वाली इसराइली अफवाज ने इसे 2 हिस्सों जुनूबी और शुमाली इलाके में तकसीम कर दिया। फलस्तीन के इलाके गजा की पट्टी पर इसराइल की शदीद बमबारी और जमीनी हमला जारी है। उन्होंने मजीद कहा हमने रॉकेट दागने के जवाब में जुनूबी लेबनान में हिजबुल्ला के मुतादिद ठिकानों को भी निशाना बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी अफवाज इस वक्त गजा शहर का मुहासिरा कर रही हैं और शहर के जुनूबी साहिल तक पहुंच गई हैं। सूडान की राजधानी खरतौम के शुमाल में वाकई उम्मे दरमान शहर में सूडानी मुसल अफवाज SAF और नीम फौजी रैपिड स्पोर्ट फोर्स RSF के दरमियान बम धमाके में 20 से ज्यादा शहरी मारे गए हैं। सूडान के इमरजेंसी वुकला एक गैर सरकारी ग्रुप ने इतवार को एक बयान में कहा कि दोनों फरीकों के दरमियान झड़पों में इजाफे और दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलाबारी की वजह से उम्मे दरमान के पड़ोसी अल सूरत के जिले 15 में कई गोले गिरे जिसमें 20 से ज्यादा शहरी हलाक और मुतादिस जख्मी हो गए। ग्रुप ने SAF और RSF दोनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। ग्रुप ने दोनों फरीकों से जंग बंद करने और तनाजे का पूरा अमन हल तलाश करने का मुतालबा किया। ग्रुप ने बमबारी की तारीख का जिक्र नहीं किया। एक मुकामी मकबूल ग्रुप अल सूर के इमरजेंसी रूम ने बताया है कि बम धमाका हफ्ते के रोज हुआ। SAF और RSF के दरमियान 15 अप्रैल से खरतौम और दीगर इलाकों में जबरदस्त झड़पें जारी हैं। तूरखम बॉर्डर के जरिए इतवार को खवातीन और बच्चों समेत 6,584 अफगान शहरी पाकिस्तान की हदूद से निकल गए जबकि 17 सितंबर से अब तक 1,70,000 से ज्यादा अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इन अफगान शहरियों की वतन वापसी से मुतालिक सरहदी हुकाम ने आगाह किया जिसके बाद वतन वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 1,70,000 से तजावज कर गई। रजाकाराना तौर पर वतन वापसी का सिलसिला उस वक्त से जारी है जबकि हुकूमत ने तमाम गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्की शहरियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दिया और कहा कि इसके बाद उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हुकाम के मुताबिक 17 सितंबर से अब तक मजमूई तौर पर 1,74,358 अफगान शहरी अफगानिस्तान रवाना हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रजाकाराना वतन वापसी का अमल अब भी जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर खजाना सीनियर इसाक डार ने
सदर आरिफ अलवी से इलेक्शन में ताखीर के मामले में उनके खिलाफ चीफ जस्टिस के तबसरे के बाद उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा देने के लिए कहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना इसाक डार ने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट से दो मरतबा आइन शिकनी के मुर्तकिब करार दिए जाने के बाद सदर आरिफ अलवी को अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्तफी हो जाना चाहिए। जियोज न्यूज के मुताबिक इसाक डार ने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी ना देते तो नून लीग मई 2022 में असेंबली तहलील कर देती। चेयरमैन पीटीआई की धमकी के बाद नवाज शरीफ ने असेंबली तोड़ने का फैसला किया। साबिक वजीर खजाना इसाक डार से सवाल किया गया है कि क्या नून लीग इख्तदार में आकर जनरल पाशा, जनरल जहीर, जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ कार्रवाई करेगी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला केसीआर के हेलीकॉप्टर में टेक्निकी खराबी, फार्म हाउस में लैंडिंग, एविएशन कंपनी की जानिब से मुतबादल हेलीकॉप्टर का इंतजाम, केसीआर मामूल के मुताबिक दौरे पर रवाना। बीआरएस की हुक्मरानी में रियासत के तमाम तबकात खुशहाल, कांग्रेस की ऊंची बातें ना काबिल कबूल, सिरसिला में बीआरएस टैक्स सेल विंग की इफ्तिताही तकरीब से केटीआर का खिताब। तेलंगाना भर में असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से पर्चे नामजदगियों का सिलसिला जारी, रियासती वजीर दयाकर राव ने हल्के असेंबली पालाकुर्ती से बीआरएस उम्मीदवार की हैसियत से पर्चे नामजदगी किया दाखिल। एपी के विजयवाड़ा में बेकाबू बस प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई, तीन अफराद हलाक, मेलुकीन के विरसा के लिए 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने वजीर आला जगन मोहन रेड्डी का ऐलान। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी, तेलंगाना और एपी में बारिश का इम्कान, हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने की पेश कयासी। आम आदमी पार्टी के तर्जुमान ने दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी पर हरियाणा हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना, कहा हरियाणा से दिल्ली आ रहा है पराली जलाने का धुआं। गजा की पट्टी को दो हिस्सों जुनूबी और शुमाली गजा में तकसीम, इसराइली फौज के तर्जुमान का दावा। और सोडान में मुसल्ला फौज और आरएसएफ के दरमियान बमबारी में 20 से ज्यादा शहरी गए मारे। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही, ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।